नमस्कार नमस्कार, आ गए हम कभी ब्रजेश कुमार नया और स्वागत है आपका हास्य बैंक से परिपूर्ण इस हल्के फुल्के मंजक शो में जिसे आप कहते हैं हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है, किसी का चेहरा मेरी नजर को भा गया है, किसी का चेहरा मेरी नजर को भा गया है। और कंबल रजाई निकाल दो, ठंड का मौसम आ गया है। बहुत बढ़िया, अर्ज कर रहा हूँ मैं भी कविराज। ना ढूंढो भीड़ में मुझे, ना ढूंढो तनहाई में, ठंड बहुत है, मैं कहीं और नहीं, मैं हूँ अपने रजाई में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ना डर लगता है बचपने से, ना डर लगता है जवानी से, ना डर लगता है बचपने से, ना डर लगता है जवानी से, ठंड में डर लगता है ठंडे पानी से। अच्छा भाई एक बात बताओ, इस बार ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इस बार ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि नोट बंद हो गए ना भाई, लोगों में नोटों की गर्मी थी वो ठंडी पड़ गई है। अच्छा कविराज, कईयों का बिजनेस होता है जो सीजन वाइज चलता है। हाँ। मेरे भाई का सारा साल चलता है, क्योंकि गर्मियों में ये नींबू पानी लगाता है और सर्दियों में उबले हुए अंडे। और सुनो, और बारिश में कुछ नहीं मिलता तो छाता लगाता है। और कविराज ये इतना पागल है, कल ना मुर्गी को गर्म पानी पिला रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कहता अंडे उबले हुए देगी। इसी तरह की फालतू बात सुन के मेरा खून उबल जाता है, मैं कसम बताया। हम इन लोगों से बात क्यों कर रहे हैं भाई, भरपूर मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में इग्नोर करें। हम आपसे बात करते हैं, अपनी ऑडियंस से बात करते हैं कि भाई सर्दियों के बारे में उनका क्या तजुर्बा है, उनकी क्या राय है, ठंड में कहाँ खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कौन बताएगा? ओहो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? रविंदर सिंह तोमर। हाँ जी, कहाँ जाना पसंद है आपको? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन जी, क्या करने हिल स्टेशन? बर्फ देखने, एंजॉय करने। बर्फ देखने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं? अरे फ्रीजर खोलो, उसमें बहुत बर्फ हो जाए भाई। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पड़ती है पता है आपको? पता नहीं। हम बता रहे, सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है गन्ने के जूस के गिलास में। 10 रुपए के जूस में 2 रुपए का जूस होता है और 8 रुपए का बर्फ होता है। भाई जाइए घूमिए, पत्नी भी आई है क्या? हाँ साथ में, ऐसे खौफ में खड़े हैं, हमको देख के ही लग रहा था। नमस्कार, तो ये पहाड़ों पे संन्यास लेने जा रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। अच्छा, एंजॉय करेंगे, अभी तो एज शुरू हुई है घूमने की। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा कपल भाई, जोरदार चलिए इनके लिए। क्या बात है, तो ये है हमारी ऑडियंस की राय ठंड के बारे में। और कसम से एक बात बताएं, ठंड का मौसम आते ही हमको गर्मी सी आ जाती है। तो हम जा रहे हैं अपने घर में, करेंगे अपनी पत्नी से प्यार, थोड़ी सी होगी तकरार। अजीब बुरा वक्त चल रहा है मेरा, दिन भर मेरी बीबी ठीक रहती है, रात में सर में दर्द हो जाता है, रात भर बाम लगाते लगाते रात गुजारनी पड़ रही हमको। कविराज जी, कविराज घर पे हो? आय हाय हाय हाय, कविराज के मरे तो 6 महीना हो गया, आप उनके भूत से बात कर रहे हैं? हे भगवान, धन्य हो गया मैं, कब से मेरा भूत धकने का सपना था तुमने पूरा कर दिया। एकदम पागल इंसान हो क्या, दिख नहीं रहे सामने मैं खड़ा हूँ, मैं खुद बात कर जाऊँ यार। फिर इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? इधर आओ बैठो। एक बात बताओ, अगर किसी आदमी को घर में खाना ना मिले और उसको बाहर रेस्टोरेंट में भी ना खाने दिया जाए तो उसकी हालत कैसी होगी? यार वो तो बेचारा भूखा मर जाएगा। बस वैसा ही भूखा हूँ मैं यार। अच्छा अच्छा, भूख लगी है, पहले बताते यार, मैंने सुबह दलिया बनाया, अभी लेके आता हूँ। एक मिनट, दलिया डालो तुम अपने कुकर में, मुझे प्यार की भूख लगी है मेरी जान, प्यार की भूख। अच्छा 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 अच्छा, देखो इसका उपाय तो मेरे पास कोई नहीं है, पर एक बात मेरे को बताओ, तुमने कभी भाभी को प्यार का एहसास करवाया है? ये देखो, रोज प्यार का एहसास कराता हूँ, कल तो मैंने कविता भी लिखी उस पे। कविराज कविराज, ये बीवियां ना कविता वविता से नहीं पटती। हाँ? क्योंकि वो घर में रह के हो जाती है बोर। अच्छा, तुम ऐसा काम करो, उनको कहीं बाहर घूमने लेके जाओ ना। मैं परसों मद्रास लेके जा रहा हूँ। मद्रास कौन जाता है, उनको कहीं ठंडी जगह पे लेके जाओ, वहां होगा तापमान कम, और जहां तापमान कम बस! एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं नहीं, शादी तो नहीं हुई, लेकिन मैंने तापमान बहुत कम किए। अच्छा सुनो 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 सुनो। हाँ? एक और बात,
तुम जाओ, तुम्हारा दलिया ठंडा हो रहा होगा। हाँ, मैं चलता हूँ। तापमान कविता, अजी सुनते हैं? सुनिए ना, मैं ना बाजार जा रही हूँ। शॉपिंग करने? नहीं नहीं, सेल्फी लेने। बहुत दिन हो गए ना मॉल जाकर सेल्फी नहीं ली। बस बहुत दिन तो मुझे भी हो गया अपना। सुनो ना, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग घर पे रहते रहते बोर हो जाते हैं, कहीं और जाना चाहिए? नहीं, मैं तो सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, तो मैं तो व्यस्त रहती हूँ। आप कुछ नहीं करते ना, इसलिए बोर हो जाते हैं। अरे, एक तो आदमी का मूड चढ़ रहा है, तुम झंड मार रही हो ऊपर से। सुनो, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना कहीं बाहर घूमने चलें। घूमने? हाँ, पैसे वैसे तो रहते नहीं, घुमाने ले जाएंगे। हाँ यार, पैसे तो है नहीं। अरे हाँ, अरे हम रिश्तेदार के घर रह लेंगे ना। चलो, तुमको तुम्हारी बुआ से मिलवाता हूँ। अपनी शिरडी वाली बुआ? हाँ हाँ, रुकिए, शिरडी वाली नहीं, कश्मीर वाली बुआ के पास चलते हैं। कश्मीर? नहीं बाबा, वहाँ ना इस टाइम बहुत बर्फ गिरती है, मुझे बहुत ठंड लगेगी, और उन बुआ से ना मेरी जमती भी नहीं है। सुनो, ठंड लगेगी तो मैं हूँ ना, और बुआ से नहीं बनती है तो क्या हुआ? हम लोग दिन भर कमरे में रहेंगे, रात भर कमरे में रहेंगे, दो दिन तक बाहर नहीं निकलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। सुनो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक तुम्हें प्यार करूंगा। नहीं बाबा, मेरे को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बुआ से प्रॉब्लम है क्या तुमको कोई? नहीं, मुझे वो बुआ अच्छी नहीं लगती। सिद्धि वाली अच्छी है? हाँ। सिद्धि वाली बुआ का कितना बच्चा है? एक। और कश्मीर वाली बुआ के? नौ बच्चे हैं। तो ज्यादा अच्छी वो हुई ना। मतलब? मतलब ये है कि वहाँ पे मतलब इतने बच्चे हैं तो तुम्हारा मन लगा रहेगा, मन लगा रहेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, कश्मीर नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं। पक्का नहीं जाना? हाँ। कट्टी, यहाँ तापमान, यहाँ इनका कोई माहौल ही नहीं है। ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी। चल हटा ना। जानू, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सच्ची? तुम जाके फटाफट सामान पैक करो। हाँ। मैं टिकट बुक करता हूँ। टिकट हो गया। अच्छा, मैं फटाफट जाके सामान पैक करता हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं शो को फोन तो कर लूँ। एक मिनट, तुम फोन मत निकालो। हाँ। कश्मीर वाली बुआ, बात करो। हेलो जी बुआ जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? हाँ नहीं, हम लोग भी अच्छे हैं। बुआ जी, हम लोग ना आ रहे हैं। नहीं नहीं, पहुंचे नहीं, हम आ रहे हैं। आप पहुंच रही हैं? कहाँ पहुंच रही हैं? यहाँ। प्रणाम बुआ जी। आप अचानक से? वहाँ का माहौल बहुत खराब है बिटिया। आपको यहाँ का माहौल पता है? यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक तो तापमान खराब है, ऊपर से सुनामी आने वाली है। सुनामी? फिर क्या करें बेटा? हम तो कहते हैं कश्मीर वापस चलते हैं, हमारे पास दो टिकट भी है। पर दो टिकट में हम तीन कैसे जाएंगे? एक पे आप मर के जाना, एक पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ना। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट। हाँ? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अरे शिक्षा को छोड़ो, तुम कश्मीर चलो, तुमको पूरा लेसन पढ़ा देंगे। अब जो है वक्त हो चला है सोशल मीडिया के चटपटे चुटकुले का। मुसीबत मैके गई, ये ग्रुप का नाम है। एक बार एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, यार तुम्हारा होठ काला क्यों हुआ है? उसने जवाब दिया, अरे यार बीबी मैके जा रही थी, खुशी के मारे इंजन को चूम लिया। अब जो है वक्त हो चला है उनके आने का, जिनको देख के गर्मी आ जाती है। मैं मिस ट्रेंडी की बात कर रहा हूँ, अपनी बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। जोरदार ताली से स्वागत की जा रही मिस ट्रेंडी, सोशल बाबा और बटलू। बोलो सोशल बाबा की। ये क्या है भाई, तुमने तो सारा ग्लैमर ही ढक दिया। बाबा जी, ठंड का मौसम है ना, इसलिए ठंड में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम्हें किसने कह दिया? अमेरिका देखो कितनी ठंड पड़ती है, लेकिन वहाँ की बालाएं कितनी हिम्मत वाली हैं। थर्मोकोट की तरह होती हैं, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास। बाबा जी, आपने गर्म कपड़े नहीं पहने? जिसकी असिस्टेंट इतनी हॉट हो उसको ठंड कैसे लग सकती है। बाबा जी, आपको तो ठंड नहीं लगती, लेकिन यहाँ आए आपके भक्त जो फ्रीज हो गए, वो कहीं गुस्से से हॉट ना हो जाए, पहले उनकी समस्याएं सुलझा दे।
बोलो सोशल बाबा की। बताइए किसकी क्या समस्या है, बोलिए। बाबा जी प्रणाम। रोमिंग फ्री रहिए भाई। बाबा जी सर्दियों में कितने बार नहाना चाहिए? तुम्हें देखकर तो लग रहा है सही सवाल पूछ रहे हो। डोंट टेक पर्सनल भाई। तुम बताओ भाई तुम कितने दिन बाद नहाते हो? यही बाबा जी कुछ 5 से 6 दिन में एक बार। ईमानदार आदमी है भाई, कैसे कर लेते हो? बाबा के तो 1 महीने बाद ही खारिश होने लगती है। बाबा जी है? आप 1 महीने तक नहीं नहाते? तो भक्तों के लिए है, असल में तो 2-2 महीने भी कई बार हो जाते हैं। जिसकी जेब में नहीं है फूटी कौड़ी, इंग्लिश में बोल रहा है हाय एवरीबॉडी। चल भाग जा यहाँ से वरना बोलेगा बाबा ने हड्डी पचली तोड़ी। बाबा जी मैं आपके मुंह नहीं लगता, मैं हिमालय के पहाड़ों में जा रहा हूँ बर्फ पे ट्रैकिंग करने। ट्रैकिंग? ये पहला पर्वतारोही होगा जो कंकरों के नीचे आके दबके मरेगा। बाबा जी मेरा भाई पहली बार हिमालय पर जा रहा है, कुछ टिप्स दीजिए ना। आपके तो हिमालय के दौरे होते रहते हैं ना? ऐसे बोल रही हो जैसे हमने वीकली पास बनाया हुआ हिमालय का। अरे रहने दो डंडी, मेरे को सब पता है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। ये देखो मैंने मंकी कैप भी ले ली। मंकी कैप? क्यों पैसे खराब कर दिए? तू नॉर्मल कैप भी ले ले, मंकी अपने आप बन जाएगी। चल पैसे खर्च ही दिए तो पहन ले, डोंकी के ऊपर मंकी कैप सूट करेगी। भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर है ना पीने तक का पानी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फ होगी। वेरी गुड, फिर तो मैं घर से 3-4 फ्लेवर लेके जाऊंगा, आप बर्फ के गोले बनाकर खाऊंगा। भैया भैया इमली फ्लेवर लेकर चलेंगे। तुम भी चलोगे मेरे साथ? हाँ। मूर्ख, अपनी बहन के साथ ठंडी जगह पे कौन जाता है उल्लू के पट्टे? बाबा जी मैं बाकी जैसा नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट। अच्छा। इसलिए मैंने 2 टिकटें भी ले ली। देखो मैं और बहना जाएंगे, मजे करेंगे। अरे टिकटें तो वाकई असली हैं भाई, बाकी तैयारी की है? हाँ बाबा जी सारा कुछ पैक कर लिया मैंने, साबुन फेस वॉश अपने शैम्पू बॉडी वॉश टॉवल पेस्ट। बस कर, वहाँ पर तो पीने के लिए पानी नहीं मिलता, ये सब कहाँ यूज करेगा? बेवजह इतना कुछ खरीद लिया, पैसा बर्बाद कर दिया। क्या ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं? क्या भैया सारे पैसे वेस्ट कर दिए, जाइए और वापस सामान देकर आइए। टंडी मैं सारा कुछ वापस करके आता हूँ। हाँ, पैसे हाँ। मिलेंगे, हम एंजॉय करेंगे, ठीक है? मैं अभी आया, जाना नहीं कहीं पे। ओके ओके आया, बाय भैया। वो चला गया। 2 टिकटें, ठंडी पहाड़, क्या विचार है? विचार तो आप देंगे ना? चलो आज नहीं समझाएंगे, इससे पहले वो आए फटाफट विचार दे दें। तो भक्तों हम लोग सर्दी में ठंडे पानी से नहाने से भी डरते हैं, उन सैनिकों को याद करो जो बर्फीले पहाड़ों पे खड़े होके हमारी रक्षा करते हैं। इस साल किसी गरीब को कंबल या गर्म कपड़े दे देना, हर साल ना जाने कितने लोग सर्दी से मरते हैं। वाह बाबा जी क्या विचार दिया है। विचार नहीं दिया है, अपने लिए कंबल और गर्म कपड़े का इंतजाम किया है। बाबा जी हा? और मेरे लिए कर तो दिया, 1/2 एक कंबल, हम दोनों कंबल में दंगल। नहीं समझी? कंबल में भी फंबल। अब हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है लघु नाटिका का, और आज की लघु नाटिका का शीर्षक है मैनू सर्दी नहीं लगती। पंजाबी में नहीं हिंदी में है, देखते हैं। डोंट वरी मिस्टर बच्चन, मैंने दवाई लिख दी है, ये आप पास वाली किराना स्टोर से ले लेना। किराना स्टोर से जी? देखो आजकल सारी दवाइयां किराना स्टोर में मिलती हैं, पेट की, सर दर्द की, एसिडिटी की। वो सब तो ठीक है सर, आपने बताया नहीं भी दवाई लेनी कैसे है। इसमें बताने वाली क्या बात है, किराना वाला प्लास्टिक की थैली में देगा, ले लेना। नहीं नहीं समझे नहीं आप,
मेरे कहने का मतलब पानी के साथ लेनी है या दूध के साथ लेनी है? Excuse me, गरीब आदमी को भी दूध पीता है? पानी के साथ लेनी है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो आपने टेस्ट लिए थे उनका क्या? उनका रिजल्ट अप्रैल में आएगा। अप्रैल में का मतलब क्या है? लगता है तुम कभी स्कूल नहीं गए। जितने भी टेस्ट होते हैं उनका रिजल्ट अप्रैल में आता है। चलो अब तुम जल्दी जाओ, दूसरे पेशेंट वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, गो गो गो। हेलो, क्या उठा नीचे से? ये उठाया नहीं, पांव पड़े हैं। पांव पड़े वो तो हमें नहीं रखे, पता ही है हमें। ओवर स्मार्ट बंद मानो, चलो चलिए। चले जाते हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? एक्सक्यूज मी जी, अपना सामान लेके जाओ। ओह मैं भूल ही गया था जी। माय गॉड सर, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नमस्ते। नर्स, व्हाट इज दिस? हमारे क्लिनिक में पेशेंट की जगह भिखारी? भाई साहब कितनी बार बोला बुधवार के बुधवार आया करो, जाओ प्लीज यहाँ से। अरे डॉक्टर साहब, हाँ मैं भिखारी नहीं हूँ, पेशेंट हूँ। पेशेंट? देखा, हम ऐसे इलाज करते अपने पेशेंट का। बैठो बैठो प्लीज। अच्छा। प्लीज हम दरअसल थोड़ा माहौल बनाते हैं क्योंकि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। अच्छा नर्स। यस। हाँ क्या प्रॉब्लम बताइए? बताओ बताओ, डोंट वरी। डॉक्टर साहब बीमारी ना ऐसी है कि सर्दी में हमको सर्दी नहीं लगती है। ये कोई प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, मुझे भी गर्मी में गर्मी नहीं लगती। सच? और क्या लगेगी भी कैसे, सारा दिन तो एसी में बैठे रहते हैं। अरे देखिए आप लोग इस तरह बातें ना करिए, हमको सर्दी लगवाइए, हमारा बीमारी ठीक करिए। ओ सर्दी नहीं लग रही आप? ना लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही है। वहाँ लेटिए, यहाँ पे बेड पे चप्पल उतार देखिए, ऐसे पहने ऐसे ऐसे लेटिए। इसका इलाज हमें ऑनलाइन देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, क्या हुआ? ये मेरा वॉलपेपर किसने चेंज किया है? मैंने सनी देओल का लगाया, सनी देओल का किसने लगाया? अरे डॉक्टर साहब ये सनी देओल वगैरह छोड़िए, हमको सर्दी नहीं लगती, उसका इलाज करिए। सर्दी? अभी चेक करते, ऑनलाइन चेक करते हैं। सर्दी नहीं लगती तुझे? क्या हुआ? ये तो बहुत खर्चा आएगा भाई। अरे डॉक्टर साहब खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करिए, खर्चा जितना लगेगा मैं दूंगा। मैं भी आम आदमी की तरह जैकेट पहनना चाहता हूँ, खांसना चाहता हूँ, छींकना चाहता हूँ, ऐसे खींच के मफलर बांधना चाहता हूँ, अपने माँ के हाथों बुने हुए स्वेटर पहनना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, स्वेटर छोटे हो गए? नहीं डॉक्टर साहब चोरी हो गए हैं। तुम पृथ्वी थिएटर के आसपास रहते हो? हाँ हाँ वहीं रहते। कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगा, वहाँ सब चोर मेरे वाकफ हैं। अच्छा, तुम्हारा स्वेटर भी चोरी हो गया और हाँ। कोल्ड भी नहीं लगता? हाँ। ओके ये पढ़ो, क्या है? रीता शाम को 6 बजे मिलना, आई लव यू लीला लॉज में। देख लो प्राय मर्द पढ़ पा रहा है, तुम नहीं समझती। नर्स चेक करो जरा इनका, चेकअप करो। आप इधर आइए, यहाँ बैठिए। देखिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जी। दोनों हाथों को सामने लाइए, लाए सामने, आंखों के सामने रखिए। हाँ। और दोनों कोनियों को ऐसे जोड़ लीजिए, जोड़ लिए, और अपने दोनों पैर भी जोड़ लीजिए, जोड़ लिए पैर बस, और ऐसे बैठे रहिए। लेकिन सिस्टर मैडम ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही। अरे अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो। हाँ। ये सिर्फ पोजीशन बताई है। हाँ। बैठना जहाँ नहीं है, बैठना बर्फ की फैक्ट्री में है, बर्फ की सीली होती है ना, उसपे 2 महीने। डॉक्टर साहब 2 महीने तक उस पे बैठे रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे, ठंड तो लगेगी ना। अरे अब ऐसी ठंड क्या हम अचार डालेंगे जिसमें हम जिंदे न रहे। अच्छा जिंदा भी रहना है साथ? जिंदा रहना है, ऐसे बोलो ना। मैं तुम्हारा इलाज करके रहूंगा बे। बे कौन जिला? लखनऊ, गोरखपुर। अरे अरे यार भाई। अरे किधर यार, कब से डॉक्टर ही हूं। अरे बहुत लंबा कहानी है, क्या बताएंगे बैठ। अरे यार मजा आ गया। और घर में सब? सब कुशल मंगल है। अरे यार तुम तो गांव का निकला यार। यार भाई तुम सोचे बड़ा आनंद आ गया मिलके। अब तो तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। हाँ वो भी फ्री में। अरे यार मोहब्बत यार गांव देश के। आंखें बंद कीजिए जरा। हाँ कर लीजिए। नर्स टेस्टिंग। ओके सर। कैसे फील हो रहा है? कम कभी फील हो रही हाँ, है? हाँ, हाँ, हो रही है। सर्दी जैसी फीलिंग आ रही है? हाँ हाँ। छींक आ रही है? छींक आ रही है। इम्प्रूवमेंट हो गया। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। नर्स ट्रीटमेंट जारी रखो, मैं गाना लगाता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट।